नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर पेशी पर आए विधायक इरफान सोलंकी की कवरेज करने गए पत्रकारों से अभद्रता। खाकी वर्दीधारियों ने अभद्रता करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। धक्का मुक्की के बाद हाथापाई पर उतारू हो गए पुलिसकर्मी। कानपुर कोर्ट में विधायक इरफान सोलंकी की पेशी के दौरान एक बार फिर दिखा कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा। ज्वाइंट कमिश्नर ने आक्रोशित पत्रकारों को निष्पक्ष जाँच का दिया आश्वासन। राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पत्रकार संगठनों ने घटना की तीखी निंदा की। कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। न्यायालय परिसर में पुलिस तथा मीडिया कर्मियों के बीच में असामंजस्य और विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था की जो आज घटना सामने आई है वो अत्यंत दुखद है। हम लोगों ने इस प्रकरण को गंभीरता पूर्वक लिया है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने घटना की जांच वरिष्ठ अधिकारी को करने के न केवल निर्देश दिए हैं बल्कि यह भी हुआ है कि प्रथम दृष्टया जिन लोगों के ऊपर ऐसा देखा गया है कि उनका व्यवहार और बेहतर होना चाहिए था और उनका जो रिस्पॉन्स है वो और सन्नियत और ज्यादा बेहतर हो सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए और भविष्य में कोर्स करेक्शन की संभावनाओं को देखते हुए थाना प्रभारी को स्थानांतरित कर दिया गया है और साथ में जिस उप निरीक्षक के ऊपर प्रश्न सभी लोगों ने खड़े किए थे उनको लाइन हाजिर किया गया है। पूरे प्रकरण को गंभीरता पूर्वक देखा जा रहा है और इस चीज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार से इस तरह की चीजें ना हो और कोई भी इन फ्यूचर रिकरेंस किसी भी संभावना को नकारने के लिए जो कोर्स करेक्टिव मेजर है वो पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।